दो ट्रेनों की चपेट में आकर डेढ़ दर्जन से अधिक गौवंशीय पशुओं की दर्दनाक मौत। इस हादसे में दोनों ट्रेनें पलटने से बाल बाल बची, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। शाहजहांपुर जनपद के मीरानपुर कटरा क्षेत्र में दो एक्सप्रेस ट्रेनों की चपेट में आकर बीती रात डेढ़ दर्जन से अधिक गौवंशीय पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान दोनों ट्रेनें पलटने से बाल बाल बची, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि शुक्रवार रात करीब 1 बजे मीरानपुर कटरा क्षेत्र के ग्राम कसरक रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास रेलवे ट्रैक पर गौवंशीय पशुओं का झुंड घूम रहा था। इसी दौरान गौवंशीय पशु प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे 10 गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई। वहीं पीछे से आई राप्ती गंगा एक्सप्रेस की चपेट में भी आकर 10 गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई। इस दौरान दोनों एक्सप्रेस ट्रेनें पलटने से बच गईं और बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। हालांकि हादसे से दोनों ट्रेनों में सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सुबह सूचना मिलने पर तिलहर SDM अंजलि गंगवार, तहसीलदार जयप्रकाश यादव, नायब तहसीलदार जगत मोहन जोशी, खंड विकास अधिकारी अजय कुमार शर्मा, थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव त्यागी, लेखपाल कमलेश शर्मा, ग्राम प्रधान इंद्रजीत यादव, राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार शर्मा मौके पर पहुंच गए और JCB मशीन से मृत गौवंशीय पशुओं के शवों को गड्ढा खोदकर जमीन में दफन करा दिया।